नमस्कार, स्वागत है आपका केजीआर न्यूज में। हूँ आपके साथ कंचन सिंह राज। तो ये शुरुआत करते हैं खबर की। जबलपुर के भाजपा नेता शशिकांत सोनी द्वारा एक युवती के साथ दुराचार किया, शिकायत टीटी नगर थाना भोपाल में होने के बाद महिला संगठन भाजपा नेता के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। जबलपुर में महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ क्या कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपी शशिकांत सोनी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ प्रदेश की मुखिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और उनकी पार्टी के नेता महिला के साथ दुराचार कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोप को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया जाना चाहिए, उसे पूछताछ कर अन्य जानकारी हासिल करनी चाहिए। आपको बता दें कि 22 सितंबर को जबलपुर की युवती ने भोपाल के टीटी नगर थाना में भाजपा नेता शशिकांत सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में युवती ने कहा है 6 मई 2022 को शशिकांत उसे नौकरी दिलाने के नाम पर भोपाल लेकर गया और उसके साथ कार में दुराचार किया। पीड़ित महिला ने आगे यह कहा है कि नौकरी के नाम पर शशिकांत ने उससे 1,80,000 रुपया भी लिया था। महिला को ना तो नौकरी मिली और न ही उसके रुपए, बल्कि आरोपी ने उसकी असमत ही लूट ली। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। महिला उत्पीड़न निवारण द्वारा SP महोदय जी को ज्ञापन दिया हुआ है, उसमें BJP नेता शशिकांत सोनी जी ने जो कृत्य किया है उसके लिए हम निंदनीय मानते हुए ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, ये कैसे मुख्यमंत्री जी हैं? बहनों के भाई बने हुए हैं, भांजियों के मामा बने हुए हैं, रक्षा की भक्षक बन के बैठे हुए हैं। किस तरह महिलाओं के साथ आए दिन अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या नियम कर रहे हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ भी वैसे ही होना चाहिए जैसे दूसरे अपराधियों के साथ होना चाहिए। इसको रिमांड पर लेके और पूछताछ करना चाहिए, ये पूछना चाहिए ने बहुत सारी ऐसी महिलाओं के साथ धोखा किया होगा, इनको झांसे में लेकर इनके साथ कृत्य किया होगा, क्योंकि महिलाएं अपनी शर्म और इज्जत बचाने के लिए कुछ बोलती नहीं है मीडिया के सामने आके। इसलिए इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, वरना हम लोग घोर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसमें महिला उत्पीड़न निवारण शोभा अध्यक्ष, इनका मामला इनने महिला को झांसे में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर और इसके साथ बलात्कार किया है। आज मैंने SP महोदय जी को ज्ञापन दिया है हमारी महिला उत्पीड़न के सदस्यों के द्वारा सभी के साथ। शोभा उपाध्याय, महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।